हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल। देखो बेटे, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके अंदर सब्सक्रिप्शन के बाद जो सेकंड मोस्ट एडवांटेज या सेकंड मोस्ट एडवांस एडजस्टमेंट आता है वो हमारा होता है कंजम्पशन ऑफ स्टॉक। देखो ये स्टॉक है ना, किसी स्टेशनरी का भी हो सकता है, किसी रिफ्रेशमेंट का भी हो सकता है, या किसी हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल है, मेडिसिन से किसी भी चीज का स्टॉक हो सकता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, स्टॉक का वो वैल्यू जो हमने करंट ईयर में कंज्यूम कर लिया उसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करना पड़ेगा, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर का होता है। जबकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमारे एसेट्स होते हैं उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बजाय ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करते हैं। जो हमारे ओपनिंग स्टॉक होते हैं वो एसेट साइड में शो किए जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक होते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किए जाते हैं। जो ओपनिंग क्रेडिटर होते हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किए जाएंगे। ऐसे ही जो हमारे ओपनिंग एडवांसेस होंगे वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किए जाएंगे, और जो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग एडवांसेस होते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं। यहां हम प्रोसेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोसेस को समझने से पहले आप लोग ये समझ लें कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें ये आइटम दो तरह से दी मिल सकते हैं। या तो हमें दिया मिलेगा पेमेंट फॉर स्टॉक मटेरियल या मिलेगा परचेज फॉर स्टॉक मटेरियल। इन दोनों आइटम्स में डिफरेंस क्या होता है, पेमेंट का मतलब होता है इसके अंदर रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों तरह के एक्सपेंडिचर है, तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को या एसेट्स के लिए एक्सपेंडिचर को स्टॉक वाले को लेस करना पड़ेगा, और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम कहां लेकर जाएंगे, रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अगर हमें परचेज दे रखा है तो केवल हमें उसको स्टॉक से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। परचेज के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वो अमाउंट जो हमने करंट ईयर में कंज्यूम कर ली। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक किसी गुड्स का 100 रुपीज है और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है 20 यूनिट, जबकि वर्ष के दौरान हमने 100 यूनिट और खरीदा तो टोटल हो गया 200, 100 ओपनिंग प्लस 100 परचेज और 20 यूनिट बचा हुआ, तो कंज्यूम कितना हुआ, 180। यहाँ हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जब पेमेंट दे रखी है, पेमेंट हमारे दोनों नेचर की होती है, एसेट्स के लिए भी और उसके अंदर रेवेन्यू भी सम्मिलित होता है, टोटल अमाउंट होती है। पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर 270,000 270,000 रुपए का भुगतान किया, लेकिन हमें वो आइटम फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जो करंट ईयर में हमने कंज्यूम कर लिया या करंट ईयर से रिलेटेड है। सिंपली क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हम क्लोजिंग क्रेडिट का मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस में दे रख, बैलेंस शीट में दे रख, इसका मतलब सामान खरीद लिया लेकिन भुगतान नहीं किया है, सामान का खरीदा करंट ईयर में, क्लोजिंग क्रेडिट को आप ऐड करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर क्या होते हैं, जो पिछले वर्ष के क्रेडिट है, सामान पिछले वर्ष में खरीदा है लेकिन पेमेंट अब तक नहीं हुई है, इस साल में की है, ओपनिंग क्रेडिटर को आप लेस कर देंगे। यहां हमने 30,000 कंज्यूम किया है क्लोजिंग क्रेडिटर को और ओपनिंग क्रेडिटर को कंज्यूम किया है 10,000। फिर क्या करेंगे, ओपनिंग एडवांस मतलब पिछले वर्ष में जो एडवांस हमने दिया था, तो किस वर्ष से रिलेटेड था, इस वर्ष से रिलेटेड था, उसको हम ऐड करेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मतलब इस वर्ष हमने एडवांस दिया है वो अगले वर्ष से रिलेटेड है तो उसको हम लेस कर देंगे। एड ओपनिंग एडवांस लेस क्लोजिंग एडवांस, यहां हमें जो अमाउंट मिलेगी दैट इज 265,000। ठीक है, हमने 30,000 ऐड किया, 10,000 ऐड किया एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, लेस किया 10,000 एंड 35,000 हमें अमाउंट आ गई 265,000। इस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल या परचेज ऑफ स्टेशनरी या परचेज ऑफ मेडिसिन, जो भी स्टॉक हमें दे रखा है ये परचेज किया है हमने करंट ईयर में, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो साल के शुरू में स्टॉक बचा हुआ था उसको ऐड कर लिया, भाई 265 का हमारा परचेज है, 15 हमने ऐड किया, कितना हुआ हमारा 280, उसमें से 5 हमने लेस कर दिया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, नेक्स्ट ईयर में उसको यूज करेंगे, वो हमारे एसेट्स है, तो कंज्यूम कितना किया, 280 में से 5 का बचा हुआ है 275 वी हैव कंज्यूम। ये 275,000 रुपए हम कहां शो करने वाले हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हमारा है। लेकिन अगर हमें केवल परचेज ही रखा है फिर हम इस सारे कैलकुलेशन को अवॉइड करेंगे, ये केवल बैलेंस शीट में शो की जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। सिंपली हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को पर्टिकुलर स्टॉक ऐड कर देना है, चाहे वो मेडिसिन है तो मेडिसिन के स्टॉक को ऐड कर दो, क्लोजिंग को लेस कर दो, जो अमाउंट आएगी उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। बेटे आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अब हम डिटेल न्यूमेरिकल को एडजस्टमेंट के साथ अटेम्प्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट करें, अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो यू मे कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर विच इज 8684921241। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब शेयर एंड गिव इट थम्स अप। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड टाइम।